हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इम्पोर्ट मोटरवर्क्स। दोस्तों मैं संकल्प, फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज इम्पोर्ट मोटरवर्क्स में है लैंड रोवर की डिस्कवरी। एक दोस्तों 4x4 SUV है, बहुत अच्छी गाड़ी है दोस्तों। इसकी ऑफ रोडिंग की वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। बट अपन आज इसके अंदर करने वाले हैं फ्रंट और रियर के इसके ब्रेक पैड्स चेंज, तो क्या प्रोसेस रहेगा। साथ ही साथ इसके जो ब्रेक पैड्स हैं उनको चेंज करने के साथ साथ जो इसके ब्रेक पैड्स के जो सेंसर्स होते हैं जो बताते हैं, सिग्नल देते हैं आगे कि वो कितने बचे हैं, कितने खत्म हो चुके हैं या उसका पीरियड आने वाला है, तो वो जो सेंसर है वो भी दोस्तों खराब हो चुका है। वो खराब कहाँ से होता है और नया जो सेंसर है वो किस तरह से रिप्लेस करने होते हैं, वो सारी चीजें अपन आज वीडियो के अंदर देखेंगे। सेंसर्स दोस्तों जो रेगुलर कार्स हैं, जो बजट कार्स हैं, जैसे कि कोई भी आप आई20 ले लीजिए, कोई स्पोर्ट, या जहां तक कि मैं मानता हूँ कि स्विफ्ट हुई, डिजायर हुई, इस टाइप की जो गाड़ियां हैं उनके अंदर अगर ब्रेक पैड्स खत्म होते तो केवल ब्रेक पैड्स चेंज का काम बन जाता है। बट इस गाड़ी की जो गाड़ियां हैं यूरोपियन लग्जरी गाड़ियां हैं, इनके अंदर क्या होता है कि दोस्तों आपको ब्रेक पैड्स के साथ साथ जो ब्रेक के सेंसर्स होते हैं वो भी आपको चेंज करने होते हैं। और वो खराब कहाँ से होते हैं वो बताऊंगा मैं आपको, फिर दोबारा से चेंज किस तरह किया जाता है। वो सेंसर रिपेयरेबल नहीं होता है, वो चेंज ही करना पड़ता है दोस्तों। वो सारा प्रोसेस जानने के लिए प्लीज वीडियो के अंदर बने रहिएगा, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये है लैंड रोवर की डिस्कवरी और 4x4 व्हीकल है दोस्तों। ये एक ऑफ रोडिंग बहुत अच्छी गाड़ी है ऑफ रोडिंग के लिए। तो अभी अपन इसके अंदर जो फ्रंट और रियर के जो टायर्स हैं उनको बाहर निकालेंगे, डिसमेंटल करेंगे। तो किस हिसाब से डिसमेंटल करना होता है, क्या सॉकेट लगेगी, तो जैकिंग की पोजीशन है ये, यहाँ पर जैक लगाया जाता है। उसके बाद में तो लिफ्टर्स जो हैं वो अपने को लगाने होते हैं कुछ, ये इसकी लोकेशन है यहाँ। तो लिफ्टर लगाना दोस्तों एक सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज दोस्तों सेफ्टी के साथ ही काम करना है अपने को गाड़ी के अंदर। तो पीछे की लिए भी अपन ने जो टायर्स हैं उनको उठाने के लिए यहाँ पर भी अपन ने जैक को लगाया हुआ है। देन उसके बाद में लिफ्टर को हम सेट करेंगे, और अभी लिफ्टर सेट हो चुके हैं और व्हील्स लूज थे इसके, तो अभी जैक को नीचे कर देंगे। देन अभी अपन दोस्तों उसके जो व्हील है उसको बाहर निकालेंगे टायर को। तो उसके लिए एक जो मास्टर नट है उसके लिए जो सॉकेट है वो आपकी गाड़ी के साथ में आएगी। ये है दोस्तों एक मास्टर नट, ये क्यों आता है साथ में मैं आपको बता देता हूँ। और ये है दोस्तों एक सॉकेट, इसकी मदद से अपन खोलने वाले हैं इसके व्हील्स। तो जो मास्टर नट है दोस्तों, मास्टर वाला जो नट है वो दोस्तों गाड़ी के साथ में इसलिए आता है ताकि अगर आप मान लीजिए गाड़ी कहीं पार्किंग में खड़ी करते हैं और चार बोल्ट हैं आपके, वो तो 19 नंबर या 21 नंबर के स्क्रू जो है सॉकेट है उसके थ्रू खोल सकते हो, बट जो मास्टर नट है वो आप नहीं खोल सकते हो। वो खोलने के लिए आपको जो इसकी मास्टर सॉकेट है वो गाड़ी के साथ में आती है, वो आपको यूज़ करनी होगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो वो एक बोल्ट नहीं निकलेगा ना लास्ट का जो रहेगा, तो आपकी जो गाड़ी के व्हील है वो चोरी नहीं हो पाएगा। तो कंपनी एक अपनी तरफ से एक आपको ऑप्शन देती है। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं कि इसके टायर के लिए पांच जो इसके स्क्रूज हैं उनको डिसमेंटल करेंगे एंटी क्लॉकिंग वाइज रोटेट करने से। देन उसके बाद में दोस्तों अपन चेक करेंगे कि इसके ब्रेक पैड्स की कंडीशन क्या है, कैसे हैं इसके ब्रेक पैड्स। तो ये कुछ पीछे का टायर इसका बाहर आ चुका है और अभी आगे के अपन टायर देखेंगे। तो पीछे का टायर इस तरफ भी लिफ्टर को सेट कर लेते हैं जैक लगाने के बाद में। तो अभी क्या है कि दोस्तों इसके जो एंटी क्लॉकिंग वायर व्हील्स के स्क्रूज हैं उनको एंटी क्लॉकिंग वायर रोटेट करके व्हील को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये पीछे का टायर और आगे के टायर, इसके जो चारों टायर्स हैं दोस्तों बाहर आ चुके हैं। देन अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसके जो ब्रेक पैड्स हैं, मैं आपको गेज से नहीं दिखाऊंगा, वो आपको आंखों से ही दिख जाएगा कि कितनी उसके अंदर एक डेंसिटी बची हुई है और कितनी जान है या कितने घिस चुके हैं। तो अपन सेंसर्स भी चेंज करने वाले हैं, सेंसर्स किस हिसाब से चेंज करेंगे वो भी अपन देखेंगे कि सेंसर्स ख़राब कहाँ से होता है, कहाँ से डिसमेंटल करना है, देन उसको फिट कैसे करना है वापस। तो अभी अपन आगे आ चुके हैं और आगे का इसके जो व्हील्स हैं, व्हील के नट्स हैं, उनको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से बाहर की तरफ खोलेंगे और टायर को बाहर निकालेंगे और अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो अभी फ्रेंड्स इसके जो आगे पीछे के टायर्स हैं वो टायर्स बाहर आ चुके हैं चारों टायर्स। तो अभी आपको देखिए कि ब्रेक पैड्स जो है वो एकदम घिस चुका है, वो एकदम ख़त्म हो चुका है, एकदम बहुत चौड़ा होना चाहिए इसके अंदर, मतलब माल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बट वो नहीं है, डेंसिटी एकदम ज़ीरो हो चुकी है। तो क्या है कि कहीं ना कहीं इसकी जो डिस्क प्लेट्स हैं उस पर एक लाइनिंग्स आ चुकी हैं। ये लाइनिंग्स प्रॉपरली हटाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, कि आपको डिस्क प्लेट चेंज करनी होती है।
बट आपके पास दूसरा ऑप्शन भी यहाँ आपको मिलता है, सेकेंडरी ऑप्शन दोस्तों ये कि आप डिस्क प्लेट को चेंज ना करा, बिकॉज ऑफ दोस्तों वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं उसके अंदर दोस्तों की जो उसकी पॉलिश कट होती है वो लगाने से इसको सही कर देते हैं। और ये इसका ब्रेक पैड का सेंसर्स जो बताता है कि वॉर्न हो चुके हैं, कितने ब्रेक पैड आपके खत्म हो चुके हैं, उनको चेंज करा लीजिए, अंदर लाइट आ जाएगी इसके अंदर। तो किस हिसाब से इसका जो कैलिपर है, उसकी स्प्रिंग है, उसको किस तरह से डिसमेंटल करना है वो आप एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसका एक स्पेशल टूल भी आता है, बट अपन यहाँ पर नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको डिसमेंटल करेंगे, बाहर निकालेंगे इस स्प्रिंग को, जो कि वाइब्रेशन को होने से बचाती है गाड़ी के साथ में। तो ये जो दोस्तों जो इसकी स्प्रिंग है वो बाहर आ चुकी है, मतलब एक पत्ती टाइप की होती है बट इसको स्प्रिंग ही कॉल किया जाता है। तो ये बाहर आ चुकी है और ये वाइब्रेशन मतलब जो हिलता है कैलिपर ब्रेकिंग के टाइम पर, तो उसको होने से रोकती है वाइब्रेशन जो अंदर ना आए। तो अभी इसके जो ब्रेक पैड्स हैं फ्रंट के, उसको क्या होगा कि जिसका कैलिपर का पिस्टन है उसको अंदर के लिए पुश करना होता है, दबाना होता है पूरा। जब ये पुश होगा तभी ये फ्री हो पाएगा। देन फ्री होने के बाद में, जो आप में से काफ़ी सारे भाई मैकेनिक्स होंगे इसके अंदर, या मैकेनिक नहीं है तो जिनको पता होगा, तो ऐसा करना होता है ताकि वो पिस्टन अंदर दब जाएगा और ये कैलिपर एकदम फ्री हो जाएगा। देन उसके बाद में इसको 15 नंबर या शायद 14 या 15 नंबर के स्क्रूज होते हैं कुछ, इनको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने के बाद में दोस्तों उसका कैलिपर है कम्प्लीटली बाहर आ जाएगा। तो अभी पहले अपन पिस्टन को पुश कर रहे हैं अंदर के लिए ताकि ये फ्री हो सके और इसका डिस्क से डिस्क प्लेट से संबंध हट जाए। उस डिस्क प्लेट को अपन रोटर भी बोलते हैं। तो अभी क्या है कि दोस्तों जो पाना लगाया अपने स्पैनर का यूज़ कर रहे हैं वो कितने नंबर का है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। वो 15 mm का स्पैनर है और यहाँ दो आपको स्क्रूज देखने को मिलेंगे। ये 15 नंबर के जो स्क्रूज़ हैं इनकी लोकेशन आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ अपने को स्पैनर को फिक्स करना होगा। देन उसके बाद में दोस्तों ये एंटी क्लॉकिंग में रोटेट करने से ही इसके जो स्क्रूज़ हैं दोनों ये लूज़ होंगे और उसके अंदर कम्प्लीट इसका जो कैलिपर है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। मतलब प्रॉपरली बाहर नहीं निकालना होता उसको, उसके जो लिंक्स हैं वो ब्रेक के पाइप से बना के रखने हैं आपको, प्रॉपरली बाहर नहीं निकालना है। मतलब ये कि जो रोटर या डिस्क प्लेट्स हैं उनसे इसके लिंक्स को ख़त्म करना है। तो अभी अपन क्या करेंगे कि तो अभी इसके मैंने आपको दिखाया कि स्क्रूज जो 15 नंबर के हैं वो एंटी क्लॉकिंग वाइज रोटेट करने हैं। देन उसके बाद में कैलिपर को कम्प्लीटली बाहर नहीं निकालना है, केवल उसके ब्रेक का जो पाइप है उससे उसके लिंक बने रहने देने हैं और उसको वहीं लटके रहने देना है। बट आप ध्यान रखिए कि नीचे कुछ ऐसा आइटम लगा दीजिए जिससे कि वो प्रॉपरली पाइप उसका फटे ना। तो ये एंटी क्लॉकिंग वाइज रोटेट करना है दोस्तों, उसका जो स्क्रू है वो एक बाहर आ चुका है, देन नीचे वाला भी आ चुका है और ये कैलिपर अपन इसको हटाएंगे कुछ इस तरीके से और इसके ब्रेक पैड्स की कंडीशंस को जज करेंगे, देखेंगे क्या कंडीशन उसके अंदर है। ये दोनों ब्रेक पैड्स पहले अपन बाहर निकाल लेते हैं और जो डिस्क प्लेट है उसको भी देखेंगे कि वो उसके अंदर क्या हो सकता है। तो ये ब्रेक पैड्स दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, जबकि नए ब्रेक पैड्स बहुत अलग होते हैं, वो वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे कि नए ब्रेक पैड्स में क्या डिफरेंस होता है। ये इसका ब्रेक कैलिपर, अभी क्या करना होगा कि इसकी जो डिस्क प्लेट है उसको बाहर निकालना है। तो उसके अंदर एक स्क्रू होता है यूजुअली दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैगुआर की बैजिंग दी हुई है, बिकॉज ऑफ कि जैगुआर और लैंड रोवर में कोई ज़्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं है, मतलब लगभग लगभग दोस्तों सारी चीज़ें सेम ही होती हैं इसके अंदर, इंजन से लेके आप गियर बॉक्स तक की अगर बात करते हैं तो सब चीज़ें मटेरियल्स, जहाँ तक कि प्लेटफॉर्म्स अगर हम बात करते हैं तो प्लेटफॉर्म भी इनके दोस्तों एक ही होते हैं। तो अभी अपन ये जो स्क्रू है एक एलन की वाला, इसको एंटी क्लॉकिंग वाइज रोटेट करेंगे, देन एंटी क्लॉकिंग में रोटेट करने के बाद दोस्तों इस स्क्रू को बाहर निकालेंगे और डिस्क प्लेट हमारी बाहर आ जाएगी। तो ये थोड़ी सी जाम है यहाँ पर डिस्प्ले, उसके लिए डिस्क प्लेट इसकी, तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों कि अपने को एक स्प्रे आती है LM40, वो इसके अंदर अपन यूज़ करेंगे और जो छोटा मोटा रस्ट होता है, रस्टिंग होता है, उस वो हट जाएगा और ये डिस्क प्लेट कम्प्लीटली बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर सेम अगर फ्रंट राइट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ फिटिंग्स है, बट अभी अपन ने वो डिसमेंटल नहीं की है, बट ब्रेक पैड्स खत्म इसके ख़राब हो चुके हैं। तो अभी अपन आ चुके हैं दोस्तों और इसकी डिस्क प्लेट है वो रिमूवल की ओर है और ये बाहर आ चुकी है। डिस्क प्लेट इसकी दोस्तों कुछ इस तरह की है, राउटर इसको अपन बोलते हैं, और इसको टर्निंग पर अपन भेजेंगे जो कि एक हल्का छुलता हुआ कट, केवल एक पॉलिश कट जिसको अपन बोलते हैं अपनी देसी भाषा के अंदर, क्योंकि वो पॉलिश कट इसके अंदर सिर्फ लगना है, बहुत ज़्यादा इसको क्या बोलते हैं कि घिसना नहीं होता है डिस्क प्लेट को, बहुत ज़्यादा इसको नहीं घिसना होता है डिस्क प्लेट को, बिकॉज ऑफ कि इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा
टर्न कराया जाए तो उसको केवल एक पॉलिश लाइक हल्का हल्का मतलब जो लाइनिंग्स हैं वो हटानी है सिर्फ। तो उसके लिए क्या करना होगा, पॉलिश कट लगाना होता है। और अभी अपन पीछे चल के भी देखेंगे कि पीछे की कंडीशंस क्या हो रखी हैं इसके ब्रेक पैड्स की। तो पीछे का जो ब्रेक पैड्स का सिस्टम है दोस्तों वो थोड़ा चेंज करना अलग है। तो दोस्तों जो इसका पीछे का ब्रेक पैड है उसको निकालने का थोड़ा प्रोसेस यहाँ डिफरेंट हो जाता है। मतलब जिस तरह से अपन ने सीधा सीधा आगे के जो इस व्हील को उतारा, देन उसके बाद में स्प्रिंग थी उसको निकाला और कैलिपर को रिमूव किया और ब्रेक पैड्स बाहर आ गए, बट इसमें ऐसा नहीं होगा पीछे वाले में, रियर वाले में। जी हाँ, मैं पहले फिर बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। वो दोस्तों प्रोसेस कुछ इस तरह का है कि आपको मैनुअली जो उसके हैंड ब्रेक्स हैं वो हटाने होते हैं यहाँ से, वो उसको हटाना होगा। तो वो रिलीज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको भी बताऊंगा, दूसरी तरफ वाला जो व्हील है वहाँ पर। तो जब तक के लिए आप इसको ये देखिए कि अपन इसको कैसे खोलते हैं कि यहाँ पे एलन की लगाई है अपन ने और ये जो कैलिपर है इसको कम्प्लीटली एंटी क्लॉकिंग वाइज इसको दोस्तों रोटेट करना होता है। तो अभी क्या है कि दोस्तों उसके कैलिपर जो है लूज़ हो चुके हैं और अभी अपन जो उसका पिस्टन है उसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे, जो सेम प्रोसेस का फ्रंट के डिस्क पैड या ब्रेक पैड्स के अंदर था। बट यहाँ पर थोड़ा एक मैटर अलग है, उसको दबाने से पहले आपको एक काम करना होता है, वो है दोस्तों उसकी मैनुअली आपको जो हैंड ब्रेक्स हैं उसके पिस्टन को पीछे करना। तो वो किस हिसाब से करते हैं, क्या टूल सही होता है उसके लिए, क्या उसकी टेक्निक है और वो सारी चीज़ें दोस्तों जानेंगे अपन, जब तक आप बने रहिए आगे। तो फाइनली दोस्तों वो टेक्निक है ये कि यहाँ पर अपन आएंगे, देखिए मैं आपको शुरू से इस बारे में आपको बता देता हूँ। अपन जब इस गाड़ी के पास में आएंगे पीछे वाले व्हील के पास में, देन उसके बाद में सेम प्रोसेस है दोस्तों, इसका वायरिंग वायर टाइप का जो एक स्प्रिंग लगा हुआ है आप देख पा रहे हैं, इसको नॉर्मली आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको हटा सकते हैं। देन सॉकेट निकालना है इसकी जो हैंड ब्रेक्स हैं या इसकी पार्किंग ब्रेक्स की जो मोटर है उसका आपको दो पिन का सॉकेट देखने को मिलेगा, वो आप सॉकेट को निकाल दीजिएगा। देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दो स्क्रूज देखने को मिलेंगे, वो दोनों स्क्रूज आपको एंटी क्लॉकिंग में रोटेट करने से बाहर निकालने होंगे। जब वो बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद में ये मोटर है ये कम्प्लीटली बाहर आ जाएगी। देन उसके बाद में मोटर के बाद में आपको क्या करना होता है वो आप आगे देखिए, जब तक अपन इसके जो स्क्रूज हैं इनको लूज़ कर लेते हैं। सिर्फ दो स्क्रूज आपको खोलने होते हैं जो कि इसकी मोटर के हैं। तो अभी जब मैंने आपको बताया कि दो स्क्रूज आपको खोलने होते हैं और ये दो स्क्रू खोलने का तो उसकी मोटर है वो बाहर आ चुकी है। तो अभी मोटर जब बाहर आ चुकी है तो अब क्या अपने को करना है वो देखेंगे। तो अपन को एक एलन की वाली स्टार वाली जो एक सॉकेट आती है, एलन की नहीं है सॉरी स्टार वाली एक सॉकेट आती है, वो सॉकेट आपको फिक्स करनी है कहीं पर और उससे पिस्टन पीछे जाएगा। तो पहले तो अपन स्क्रू ड्राइवर से करेंगे कि जितना जा सकता है उतना जाएगा, हल्का हल्का बहुत हल्का सा फ्री हुआ है, बहुत ज़्यादा भी फ्री हुआ है। अब क्या करना होगा दोस्तों, वो जो सॉकेट है स्पेशल टूल स्टार वाली उसको यहाँ लगाना है, वो कितने की मैं आपको बता दूंगा, अभी रिकमेंड कर दूंगा आपको। और लगाने के बाद में इसको रोटेट करना है आपको क्लॉकिंग वाइज, जी हाँ नॉट एंटी क्लॉकिंग वाइज, ये रोटेट करना है क्लॉक वाइज। और क्लॉक वाइज रोटेट करने से दोस्तों क्या होगा कि जो उसकी पिस्टन है वो पिस्टन पीछे जाएगा और पिस्टन पीछे जाने के बाद में देन उसके बाद में आपको स्क्रू ड्राइवर लगाने के बाद में उसको अंदर पुश करना है और तब आपका जो ब्रेक पैड है वो पीछे जाएगा और उसके बाद में कम्प्लीटली रियर व्हील का कैलिपर बाहर आएगा। तो अभी क्या होगा कि इसके जो मैंने आपको टेक्निक बताया था, जो तो मोटर के बाद में इसको घुमाना होगा क्लॉकिंग वाइज रोटेट करने से, और उसके बाद में क्या होगा इसकी पिस्टन है वो पीछे जाएगा। देन जब वो पिस्टन पूरा कंप्लीट पीछे आ जाएगा उसके बाद में आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से बिल्कुल ही कम्प्लीटली इसके जो ब्रेक पैड्स हैं उसको या पिस्टन है उसको प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद में इसका कम्प्लीटली कैलिपर बाहर की तरफ आएगा। तो जब तक के लिए दोस्तों, जब तक अपनी जो इसकी डिस्क प्लेट्स थी वो अपन ने बाहर निकाल ली थी, आपको प्रोसेस आपने देखा किस हिसाब से इसकी डिस्क प्लेट को बाहर निकाला जाता है। तो अभी जब तक अपन क्या करेंगे, उसकी जो जहाँ पर थोड़ी सी रस्टिंग हुई हुई है इसके हब पर, बैरिंग वाले हब पर, उसको साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सैंड पेपर की हेल्प से। उसके बाद में उसकी जो इसकी ब्रेक पैड्स हैं, ब्रेक डिस्क हैं, वो आ चुकी हैं लेथ वर्क से, तो इसका शॉट मैं आपको ले नहीं पाया इस तरफ का फिक्स करने का, मैं आपको दूसरी तरफ का जरूर दिखाऊंगा। और नए ब्रेक पैड्स इसके अंदर डल चुके हैं और सेंसर डल चुका है, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा दूसरी वाले साइड से। तो इस तरफ वाला भी दोस्तों फिट हो चुका है। फिटिंग का प्रोसेस दोस्तों आपको सारा पता ही है किस तरह से फिट करना होता है। पहले नॉर्मली आपको डिस्क प्लेट इसके अंदर फंसा देनी है, उसका जो एक स्क्रू है उसको फटाना है, फंसाने में उसको इसके ब्रेक के पैड्स हैं उनको फिक्स करना है और इसका जो कैलिपर है ब्रेक का उसको फिक्स करके टाइट कर देना है।
और सेंसर भी इसके अंदर दोस्तों हमने नया लगा दिया है। देन अभी अपन चलेंगे पीछे की ओर और पीछे की तरफ देखेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है काम की। और आगे भी हमने फाइनली दोस्तों इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो डाल दिए हैं और इसकी जो डिस्क प्लेट्स हैं वो लेथ वर्क से कंप्लीट होकर आ चुकी है। और इस तरफ वाला जो व्हील है दोस्तों रियर लेफ्ट का उसमें भी फिक्स हो चुका है, तो इसका दूसरी तरफ का दिखाएंगे आपको। और अभी दोस्तों इसका फ्रंट राइट वाला जो व्हील है वो कंप्लीट हो चुका है सारे काम से, तो इसको अभी अपन टाइट कर देते हैं। ये इसकी मास्टर नट। तो दोस्तों फिक्स का वीडियो मैं ले नहीं पाया, उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ कि वो उस टाइम पर थोड़ा बाहर जाना पड़ गया था तो वो वीडियो मैं नहीं ले पाया हूँ फिटिंग वाला। बट फिटिंग में कुछ नहीं होता है मैं आपको बता देता हूँ, केवल आपको आप मैं इसके लिए कोई अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा फिटिंग के लिए स्पेशली। आपको ब्रेक पैड ब्रेक डिस्क जो इसकी रोटर है उसको फिक्स करना है, उसके अंदर उसका एक बोल्ट है उसको टाइट कर देना है। देन उसके बाद में ब्रेक पैड सेट करने हैं और कैलिपर फिक्स करना है, टाइट करना है। वो व्हील तैयार हो चुके थे तो अभी अपन रियर का जो एक व्हील बचा हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसके अंदर इसकी केवल अभी डिस्क प्लेट ही कसी गई है और अभी तक कुछ कसा नहीं गया है, तो इसकी अपन ने मोटर खोली थी पार्किंग ब्रेक वाली, उसको इस तरह से कुछ फिट करने का है। ये जो एक यहाँ पर आप शाफ्ट देख पा रहे थे अंदर की तरफ, जो शाफ्ट है उसी को रोटेट करना था उस सॉकेट की हेल्प से, और वो सॉकेट की हेल्प से जब आप इसको रोटेट करेंगे तभी इसका ब्रेक पैड बाहर आएगा। तो इसको फिक्स करने के लिए अंदर टूथ्स बने हुए हैं उसको एकदम फिक्स बिठाना है। देन उसके बाद में इसके जो दो स्क्रूज हैं उनको टाइट कर देना है और टाइट करने के बाद में ये गाड़ी का जो कैलिपर का जो पार्किंग ब्रेक वाला सिस्टम है वो तैयार हो जाएगा। देन उसके बाद में उसको दोस्तों फिट करेंगे कैलिपर के अंदर अपन, और कैलिपर के अंदर फिट करने के बाद में न्यू ब्रेक पैड्स लगाएंगे और फिट करेंगे आगे के लिए। तो अभी इसके दोस्तों जो स्क्रूज़ हैं उनको अपन टाइट कर लेते हैं। एलन की के 5 या 6 नंबर के कुछ स्क्रूज़ होते हैं, दो स्क्रूज़ हैं दोस्तों उसके, उसको अपन टाइट कर लेते हैं। तो क्लॉकिंग वाइज इसको टाइट करने के बाद में सॉकेट भी इसका हमने लगा दिया है, और इसके जो नए ब्रेक पैड्स हैं वो आप देख पा रहे हैं, दोनों इसके नए ब्रेक पैड्स हैं, इनको हमने फिक्स कर दिया है इसकी रोटर से। तो नए ब्रेक पैड्स में और पुराने ब्रेक पैड्स में दोस्तों आपको अंदर समझ में आ गया होगा कि नए एकदम कलर वाइज में देखने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो उसके अंदर कैपेसिटी थी वो डेंसिटी या कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा है, वो 100% है, और उनके अंदर वो सिर्फ कोई 17-18% ही रह गई थी जो कि बहुत कम है और जो कि डिस्क प्लेट को नुकसान पहुँचा सकती है। तो अभी कम्प्लीटली दोस्तों उसका कैलिपर है उसको फिट करेंगे अपन, कैलिपर को कुछ इस तरह से रखना है। देन इसके जो दो स्क्रूज हैं वो टाइट कर देने हैं आपको क्लॉकिंग वाइज। तो इसका जो दोस्तों फ्रंट लेफ्ट का टायर है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और इसके लिए अपन अभी इसके अंदर जो इसका टायर है उसको फिक्स कर देते हैं, इसको टाइट कर देते हैं। और जो पीछे का रियर लेफ्ट का टायर है दोस्तों साइड है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका जो पीछे वाला टायर है दोस्तों पीछे वाली जो साइड है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ कैलिपर फिक्स हो चुका था। देन अभी इसको टाइट करने का रह गया है, टाइट करने के बाद में इसका सॉकेट है उसको फिक्स करेंगे और ऊपर से इसकी स्प्रिंग है उसको सेट करेंगे। तो अभी इसके आगे के दोनों टायर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, अभी बारी है केवल पीछे के काम की। पीछे का काम इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी जो इसका रियर का दोस्तों ब्रेक पैड का सेंसर है जो कि बताता है कि कितने वॉर्न हो चुके हैं इसके ब्रेक पैड्स, और मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन या इटालियन कार्स के अंदर जो सेंसर्स आते हैं वही मतलब बताते हैं सेंस करके आपको डिस्प्ले के ऊपर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। तो ये सेंसर है दोस्तों न्यू सेंसर, पुराने वाले जो सेंसर थे वो घिस चुके होते हैं और ये नया सेंसर है, ये घिसता नहीं है। तो ये भी अपन ने नया इसका सेंसर है वो इसको सेट कर दिया है। और ये हैं दोस्तों उसके पुराने सेंसर,
क्योंकि सिर्फ एक साइड ही सेंसर आपको देखने को मिलेगा, दोनों तरफ सेंसर्स नहीं आते हैं और दोनों तरफ सेंसर देने का सेंस भी नहीं है कुछ, क्योंकि जब दोनों टायर्स चलते हैं तो दोनों तरफ के ही ब्रेक पैड्स एक साथ ख़राब होते हैं। तो ये जो इसका न्यू सेंसर है ब्रेक पैड का जो कि बताता है वॉर्न, तो उसके लिए जो सेंसर है वो अपन फिक्स कर लेते हैं अभी इसके अंदर। कहाँ से फिक्स करना है, कैसे फिक्स करना है वो अपन देख लेते हैं। हाँ, ये सिर्फ दो पिन के ही सेंसर होते हैं ब्रेक पैड सेंसर जितने भी हैं, मतलब लगभग लमसम कार्स के अंदर आप देखेंगे तो दो पिन के ही सिर्फ दो तार ही होते हैं सेंसर के अंदर प्लस माइनस के। तो अभी कम्प्लीटली दोस्तों इसका जो रियर राइट का टायर है साइड है वो भी कम्प्लीटली हो चुकी है। इसको थोड़ा मोटा काम रह गया उसके अंदर, वो भी अपन तैयार करके इसका जो व्हील है उसको सेट कर देंगे। दैन उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, उसके सारे टायर्स हैं उनके चारों के व्हील्स के काम तैयार हो चुके हैं। अभी का जो काम रह जाएगा अपना के वो रहेगा स्कैनिंग का, दैन और उसके बाद में ट्रायल का, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको स्कैनिंग में क्या करना होता है। तो जब तक दोस्तों अपन ने जो इसके लिफ्टर्स लगाए थे वो अपन जैक लगा करके इसके जो लिफ्टर्स हैं उनको हटा लेते हैं। तो ये जैक लग चुका है और उसके बाद में अपन ने लिफ्टर हटा दिए हैं यहाँ से और जैक को एकदम नीचे लेंगे हम, और इसके जो दोनों टायर्स हैं आगे के वो नीचे आ जाएंगे ज़मीन से। देन सेम प्रोसेस दोस्तों पीछे भी अपन यही करने वाले हैं इसके साथ में, गाड़ी को चारों पहियों को ज़मीन पर ले लेते हैं। तो अभी दोस्तों जब चारों पहिए इसके नीचे आ गए हैं तो उनको हम टाइट कर लेते हैं। चारों पहियों को दोस्तों हाथ से ही टाइट करना चाहिए हमको, तो उसको क्लॉकिंग वाइज दोस्तों टाइट करके हम चारों इसके जो व्हील्स हैं उनको टाइट कर लेंगे। तो अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है दोस्तों, सिर्फ अभी इग्निशन ऑन है गाड़ी का। तो अभी अपन क्या करेंगे, लैंड रोवर की एप्लीकेशन को इसमें चूज करेंगे और तो देखेंगे कि क्या इसके अंदर हमको मतलब किस तरह से रीसेट करना है फॉल्ट्स को। तो पहले अपन सीधे इसकी एक बार हेल्थ बोर्ड लेंगे, हेल्थ बोर्ड लेंगे दोस्तों इसलिए ताकि इसके जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं वो भी निकाले गए थे। और अभी इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं, तो इंजन भी स्टार्ट हो चुका है। आप आरपीएम की जो गेज है वो देख पा रहे हैं और ये भी, इसकी कम्प्लीटली पहले हेल्थ रिपोर्ट हो जाने देते हैं। सिक्सटी वन परसेंट तक ये हो चुका है और अपने को पूरा 100% इसको करना है। ये कार है दोस्तों लैंड रोवर डिस्कवरी,
face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I'm stay by my side.